दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 सितंबर 2018 से संबंधित करंट अफेयर्स के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और साथ ही साथ उन प्रश्नों से रिलेटेड काफ़ी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो के लास्ट में आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। इसी तरीके से मैंने 22 सितंबर की वीडियो में भी क्वेश्चन पूछे थे, क्या थे उनके सही आंसर, इस वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए और ताकि जो वीडियो में अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अगर पसंद आती है तो आप इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लिंक दिया हुआ है, या फिर आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम पे भी आपको इसका जो पीडीएफ है वो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन हम अपना आज का ले रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2018 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये हमें बताना है हमारे पहला क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है भारत। महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2018 की मेजबानी भारत करेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपको याद रखने पड़ेंगे कि 15 नवंबर से 24 नवंबर 2018 तक इनका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो पहला संस्करण हुआ था वो 2001 में अमेरिका में आयोजित हुआ था, और याद रखिएगा कि इससे पहले 2006 में ये भारत में आयोजित हुए थे। तो 2006 के बाद जो है अभी फिर से भारत में ये आयोजित हो रहे हैं नई दिल्ली में, ठीक है। तो याद रखिएगा 15 नवंबर से 24 नवंबर तक जो है ये आयोजित होंगे। क्वेश्चन सेकंड है कि निम्न में से किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2019 के लिए चुना गया है, नामित किया गया है वो यहाँ पर, ठीक है, नामित किया गया है अभी, तो हमें ये बताना है। तो ये है विलेज रॉकस्टार। विलेज रॉकस्टार को 2019 ऑस्कर के लिए भारत से नामित किया गया है। याद रखिएगा ये जो फिल्म है ये रीमा दास निर्देशित असमिया फिल्म है। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, तो नेशनल अवार्ड भी इस फिल्म को मिल चुका है। तो इससे पहले जो है न्यूटन फिल्म को भी जो है नामित किया गया था ऑस्कर के लिए, ठीक है, मिला नहीं था लेकिन नामित किया गया था। तो ये जो असमिया फिल्म है विलेज रॉकस्टार, इसको भेजा गया है। तो नामित करने की रेस में जो है नॉमिनेशन में जो है काफ़ी फिल्में थी, जिसमें आपका जो है काफ़ी फेमस अभी हाल ही में पद्मावत हो गई और भी काफ़ी मूवी थी इसमें, लेकिन इसमें जो है विलेज रॉकस्टार को सिलेक्ट किया गया। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कुछ अगर बॉलीवुड की फिल्मों का नाम आ जाता तो हम लोग वही जो है टिक कर देते हैं, तो इसको याद रखिएगा, ओके। चलिए इसके बाद देख लीजिए थर्ड वाला कि हाल ही में अमेरिका ने रूस से सैन्य हथियार खरीदने के कारण किस देश पर प्रतिबंध लगाए हैं, हमको ये बताना है। तो ये प्रतिबंध लगाए गए हैं चीन पर, ठीक है। चीन ने जो है रूस से सैन्य हथियार खरीदे जिसके कारण अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगा दिए और बहुत ज़्यादा जो आयात शुल्क होता है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर वसूला जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसके बाद फोर्थ वाला कि नरेंद्र मोदी ने 13,000 करोड़ रुपये के तलचर उर्वरक कारखाने की नींव रखी, ये कहाँ स्थित है हमको ये बताना है। तो तलचर उर्वरक कारखाना उड़ीसा में स्थित है, ये याद रखिएगा, जिसके लिए जो है 13,000 करोड़ रुपये जो है दिए गए हैं 22 सितंबर 2018 को, ठीक है। याद रखिएगा कि जो ये तलचर उर्वरक कारखाना है देश की पहली कोयला गैसीकरण कोल गैस से चलने वाली जो है उर्वरक कारखाना है, पहला कारखाना है ये कोल गैस से चलने वाला, ठीक है। इसे 2002 में बंद कर दिया गया था और फिर 2011 में इसको फिर से खोला गया था, लेकिन जो है अब इसमें जो है थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का काम बचा हुआ है, थोड़ा मरम्मत का काम रह गया है जो कि करना है, तो उसी के लिए जो है ये चीज़ें दी गई हैं। तो वहाँ पर जब इसका काम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर इसको दोबारा से फिर से खोला जाएगा। तो बेसिकली इसके लिए 36 महीने का टाइम फिक्स किया गया है, 36 महीने तक इस बन के पूरा तैयार हो जाएगा, उसके बाद जो है इसको फिर से स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो उसी के लिए ये पैसा दिया गया है, इसको मतलब दोबारा मरम्मत करने के लिए कह सकता हूँ मैं इसकी, ठीक है। राजधानी याद रखिएगा उड़ीसा की भुवनेश्वर, नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं उड़ीसा के और राज्यपाल हैं उड़ीसा के गणेशी लाल, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की पहली महासभा का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भारत में, ये चीज़ याद रखना पड़ेगा। और इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा जो याद जरूर रखिएगा, जिसमें से कि हमारा पहला पॉइंट तो यही है कि इसका जो आयोजन होगा ये 2 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पहला आयोजन होगा, पहली महासभा का जो आयोजन होगा वो दिल्ली में होगा 2 अक्टूबर को, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है सौर ऊर्जा पर आधारित 101 देशों का एक सहयोग संगठन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये क्या चीज़ है और इसका प्रारंभ किसने किया था, इसका प्रारंभ किया था भारत और फ्रांस ने 30 नवंबर 2015 को पेरिस में। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ओके।
क्वेश्चन नंबर सिक्स है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 23 सितंबर को किस राज्य से किया जाएगा, होगा यहाँ पर किस राज्य से किया जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को आयुष्मान भारत योजना भी कहा जा रहा है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। इसका शुभारंभ किया जा रहा है झारखंड से, ठीक है। तो बेसिकली झारखंड से इसका शुभारंभ हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, ठीक है। झारखंड की राजधानी जो रांची है वहाँ से इसका शुभारंभ होगा 23 सितंबर को। इस योजना का जो प्रारंभ है वो रांची में यहाँ पर लिखा हुआ है, मोदी जी के द्वारा होगा। और ये जो योजना है ये 30 राज्यों में 445 जिलों में एक साथ शुरू होगी, ठीक है। तो इनका उद्घाटन जो कह सकते हैं कि इसका जो शुभारंभ है वो रांची में होगा और एक ही टाइम पे जो है सभी जो 30 राज्य हैं वहाँ के जो प्रधानमंत्री सॉरी वहाँ के जो मुख्यमंत्री होंगे, राज्यपाल होंगे, उनकी उपस्थिति में जो है विभिन्न राज्यों में इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास हैं, तो आपको झारखंड के मुख्यमंत्री भी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये भी वहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर सेवन है कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटरेस भारत यात्रा पर कब आएंगे, तो ये आएंगे अक्टूबर में, ये चीज़ याद रखिएगा। साथ में कुछ पॉइंट बताऊंगा जो याद रखने पड़ेंगे कि एंटोनियो गुटरेस भारत यात्रा पर अक्टूबर में आएंगे और ये जो है इनकी पहली यात्रा होगी संयुक्त राष्ट्र महासचिव के रूप में भारत की, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। वे गांधी जी के 150वीं जयंती के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और गुटरेस पुर्तगाल से हैं, ये याद रखिएगा। और इन्होंने 1 जनवरी 2017 को अपना कार्यभार संभाला था, ठीक है। तो 1 जनवरी 2017 के बाद मतलब पहली बार जो है भारत यात्रा पर आ रहे हैं, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आठवां देखते हैं। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार शहरीकरण और जनसंख्या वृद्धि के कारण 2050 तक वैश्विक कचरा कितने प्रतिशत तक बढ़ सकता है, तो एक रिपोर्ट जारी की गई है विश्व बैंक की तरफ से और उसमें कहा गया है कि 2050 तक जो कचरा है वो 70% तक बढ़ सकता है, अनुमान लगाया गया है इसमें, ठीक है। ये याद रखिएगा। साथ में यहाँ पर से कुछ पॉइंट बताऊंगा जो याद रखने पड़ेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया कि दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में जो है कचरे में जो है सबसे अधिक वृद्धि हुई है, ठीक है। पहले की तुलना में अगर किया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कचरा जो है अफ्रीका और दक्षिण सहारा के आसपास का और दक्षिण एशिया में जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर वृद्धि हुई है कचरे की। याद रखिएगा यहाँ से विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो जिम योंग किम हैं, मुख्यालय है वॉशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ वाला है, हाल ही में किस देश में पहली बार किसी महिला ने टीवी पर आकर एंकरिंग की, तो इसका सही आंसर है सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब में किस पहली बार किसी सऊदी महिला ने टीवी पर आकर एंकरिंग की है, ये अभी पहली बार ऐसा हो रहा है। ये आप लोग को हालांकि जो है पहले सऊदी अरब की जो सरकारी न्यूज जो एजेंसी है वहाँ पर कुछ बाहरी जो विदेशी महिलाएं थी उन्होंने काम किया था, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि जो सऊदी अरब की जो महिला हैं वो टीवी एंकरिंग जो है कर रही हैं वहाँ के सरकारी न्यूज चैनल पे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इस महिला का जो नाम है, जो एंकर है, इनका नाम है विम अल दखिल, तो इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां कि 22 सितंबर 2018 को टाटा स्टील ने निम्न में से किसके द्वारा स्टील कारोबार के किसके स्टील कारोबार की अधिग्रहण की घोषणा की, तो इस कंपनी ये इनमें से कौन सी कंपनी के स्टील कारोबार के अधिग्रहण की घोषणा की है ये हमें बताना है। तो उषा मार्टिन लिमिटेड जो की जो स्टील कंपनी है इसके अधिग्रहण की घोषणा की है टाटा ने, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा और अगले 9 महीने के आसपास जो है इन्होंने टाइम पीरियड दे रखा है कि 9 महीने के अंदर अंदर जो है हम इसका अधिग्रहण करेंगे और बाकी पैसे कितने में अधिग्रहण होगा, कितने में ये डील हुई है, इसके बारे में कुछ चीज़ें हैं अभी जो बाहर आनी रह गई हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा फिलहाल में। चलिए इसके बाद देखिए लीजिए, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि 22 सितंबर में मैंने आपसे पूछा था कि 10 सितंबर 2018 को किस राज्य सरकार ने 40 सेवाओं के लिए डोर स्टेप डिलीवरी योजना प्रारंभ की, तो इसका सही आंसर है दिल्ली, ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ाया भी हुआ था, पहला सेम टू सेम ऐसी क्वेश्चन दिया हुआ है। और ये जो सेवाएं हैं इसमें जाति प्रमाण पत्र या फिर आय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड बनवाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, बाकी यहाँ पर लिखे हैं आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, आपके घर में एजेंट आएगा वो आपके सारे डिटेल ले जाएगा, उसके बाद जब आपका बन के तैयार हो जाएगा तो आपके घर उसको जो भी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो भेज दिया जाएगा। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा किया गया था 10 सितंबर को, तो ये
हम लोग बता चुके हैं। बाकी के मैंने आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे थे जिनके आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन हैं, और पहला क्वेश्चन तो यही है कि 15 सितंबर 2018 को दूरदर्शन ने अपनी स्थापना के कितने वर्ष पूरे किए, तो बताइए मुझे कितने वर्ष पूरे किए, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 23 सितंबर 2018 को किस राज्य के पहले हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे, ये भी हम लोग एक हफ्ते पहले करीब पढ़ चुके हैं कि 23 सितंबर को प्रधानमंत्री जी एक राज्य में ये हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं, उस राज्य का नाम हमें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे, तो ये भी आप बताइए, कौटिल्य बहुत फेमस नाम है, वो किसके प्रधानमंत्री थे, किसके दरबार में थे, ये हमें बताना है, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। दोस्तों लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, अपने ग्रुप वगैरह में आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, तो आपकी महान कृपा होगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।